विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा। माता, आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए, मैं भैरव को आपके निकट नहीं पहुंचने दूंगा, उसे तो मैं रोक कर रखूंगा। धन्यवाद श्री राम भक्त हनुमान जी, किंतु ऐसा अभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सके समझ जाइए कि उसका अंत काल आ गया है। ओम श्री वैष्णवी नमः, ओम श्री वैष्णवी नमः, ओम श्री वैष्णवी नमः, ओम श्री वैष्णवी नमः, ओम श्री वैष्णवी नमः। भगवान अपने नियमों का पूर्ण आदर करते हैं, निष्ठा से उनका पालन करते हैं, उन्हें भंग नहीं करते। सभी को आश्चर्य होता है, कोई बुरा आदमी धनी कैसे बन गया? संसार में इतनी दुष्टता क्यों है? भगवान का कोई अपमान करता है तो उसे दंड क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका कारण है, अच्छे कर्मों के चुकने पर ही कोई दंड का भागी बनता है। इसलिए भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा, ना अच्छे कर्म और ना ही बुरे कर्म, वो तो सदा न्याय ही करते हैं। पुण्य आत्माओं का उद्धार और पापियों का नाश करते हैं। ओम श्री वैष्णवी नमः, ओम श्री वैष्णवी नमः। जय श्री राम। भैरो, जब तक तुम्हारे पापों की गागर भर नहीं जाती, माता का ये लांगुरिया पहरेदार तुम्हें माता की ओर एक पग भी बढ़ाने नहीं देगा। जय श्री राम। और फिर भैरों ने जितनी भी बार जिस भी पद से त्रिकुट पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, सदा हनुमान जी को सामने पाया, और ये भैरों स्वीकार न कर सका, और उसने महाबली हनुमान जी के साथ घमासान युद्ध आरंभ कर दिया। वही भक्त श्रीधर अपनी ध्यान समाधि में लीन थे, और माता वैष्णो देवी घोर तपस्या में। ऐसा 9 माह तक चलता रहा। दिव्य प्रकाश के निकट जाना है मुझे। जय श्री राम। मैंने कहा ना, भैरव पर अजय स्वीकार करने वालों में से नहीं। मैं तुम्हें तब तक आगे नहीं जाने दूंगा जब तक स्वयं माता की इच्छा नहीं होगी। जो करता है अपनी इच्छा से करता है। संभव है
जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा, समझ जाइए कि उसका अंत काल आ गया है। शक्ति पाएगा भैरव, सर्वशक्तिशाली बन जाएगा भैरव। असंभव को संभव बनाएगा भैरव, अपार शक्ति पाएगा भैरव। भैरव, तुम्हारे पापों की गागर भर कर छलक रही है, इसलिए अंतिम बार कह रही है, अपना अंत नहीं चाहते तो अभी भी पीछे हट जाओ। भैरो, अभी भी समय है, माता के चरणों में अपना शीश झुकाओ। मैंने कहा ना, भैरो का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता। साधक भैरो साधना पूर्ण करेगा, तुम्हारी शक्ति पाकर सर्वशक्तिशाली बनेगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। विचित्र थी ये घटना। वो शक्ति का लालची जिस शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा था, उसके स्रोत से भी अनभिज्ञ था और अपार शक्ति की दात्री पर ही प्रहार के लिए उन्मत्त था। मिल रहे हैं, स्वामी की तपस्या संपन्न होने ही वाली है। मैं अभी जाकर सभी को सूचित करता हूँ। मेरा त्रिशूल ही पर्याप्त है तुम्हें अधीन करने के लिए। Yeah!
नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा वध नहीं हो सकता। जाने नहीं दूंगा इस अलौकिक शक्ति को। मति भ्रष्ट हो गई मेरे पड़ोसी श्रीधर की। कहता है माता कन्या के रूप में उसके घर आई थी और माता ने उसे साक्षात दर्शन देने का वचन भी दिया है। भक्ति से कुछ भी पाना संभव है, किंतु जिसके भीतर पाप हो वो पाता नहीं, केवल होता है। कहाँ जाएंगी माता? उस भक्त के निकट जिसने सदा निष्ठा से माता की पूजा आराधना की है, या उसके पास जिसने अभी अपने अंतिम समय में माता के वास्तविक स्वरूप को पहचाना है? अंततः आपने मेरी बात सुन ली। अपने इस भक्त को पूर्ण स्वरूप के दर्शन देकर आपने कृतार्थ कर दिया मुझे। माँ, समय रहते अपने अहंकार को त्याग देता, अपने विवेक को जागृत करता, अपना शीश आपके आगे झुका लेता, तो मेरा शीश कटता नहीं। सत्य तो ये है माँ, मेरी मृत्यु का मुझे कोई दुख कोई शोक नहीं, अपितु मुझे तो अपार सुख का अनुभव हो रहा है कि मुझे आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई। माँ, मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया, मैं धन्य हो गया। माँ, दुख है तो बस इस बात का कि सदा संसार मुझे पापी अधर्मी के नाम से जानेगा, सब मुझे आपके शत्रु के रूप में पहचानेंगे, मुझे मेरी दुष्टता मेरी मूर्खता से पहचानेंगे। अपने इस मूर्ख पुत्र को क्षमा कर दीजिए। तुम्हें नहीं, नहीं। तुम्हारे अहंकार भरे शीश को खंडित किया है मैंने, तुम्हारे पाप का अंत किया है, किंतु तुमने मुझे माँ पुकार कर स्वयं को मेरी क्षमा का और मेरे आशीर्वाद का पात्र बना लिया है और अपने ऊपर हुए कलयुग के प्रभाव को मिटा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ श्रीधर, तुम्हें मन चाहा वरदान देना चाहती हूँ, मांग लो जो भी इच्छा। माँ, आपके दर्शन मिल गए, जो मांगा था वो मिल गया इस भक्त को, अब और कुछ कहाँ चाहिए मुझे। यदि आज भी श्रीधर ने माता से कुछ नहीं मांगा तो माता का आविर्भाव कैसे होगा? मेरी माता की कलयुग में स्थापना कैसे होगी? कलयुग के आगमन पर आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा, तब आपका आविर्भाव होगा, और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपको
आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बने। प्रभु श्री राम ने मुझे जो वरदान दिया था वो तो तभी पूर्ण होगा जब मेरा भक्त श्रीधर मुझे रोकेगा, अन्यथा जब प्रभु कलयुग में कल की अवतार धारण कर अवतरित होंगे तो मैं उनसे भेंट करने में असमर्थ हो जाऊंगी। क्या ऐसा कुछ नहीं जिसकी तुम्हें इच्छा हो, जो तुम मुझसे मांग सकते हो? माँ, आप तो अपने भक्त की झोली बिन मांगे ही सुख समृद्धि से भर देती है, ऐसे में भला कुछ और मांगने की क्या आवश्यकता है? आपकी ममता और कृपा से भरे आपके आंचल की छाव सदा हम पर बनी रहे, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु, उचित है, अब मुझे जाना चाहिए। माँ, क्या आप सदा के लिए यहाँ रुकने की कृपा नहीं कर सकती? आप मुझे मनचाहा वरदान देना चाहती है ना, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आपकी छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे। कलयुग में सुपथ से भटकने वाली अनेकों संतान होंगी आपकी, उन सभी को आपकी कृपा, दया और ममता की आवश्यकता होगी। आपसे प्रेरणा पाकर ही वो पुनः उचित पद पर चल सकेंगे। माँ, आपने मुझे वरदान दिया था मेरे कारण आपके मंदिर की स्थापना होगी, तो माँ अपने इस भक्त को दिए वरदान को सत्य कीजिए, यहाँ स्थापित होकर कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार कीजिए। माता रानी, ऐसे भक्त और ऐसे पुत्र को भला कौन माँ छोड़ के जाएगी? मैं भी नहीं चाहती। आज भगवान ने नहीं, एक भक्त और उसकी भक्ति ने भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप ने मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यही त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना, वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। व्यक्ति यदि सच्चे मन से विकार रहित हो भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं।